रात का वक्त फिल्म देखने से पहले आपको सचेत किया जाता है। ये फिल्म काल्पनिक है, आप इस पे अमल मत कीजिए। ये फिल्म पूरी गौर से देखिए, ये फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कैसा भाई? हाँ बढ़िया भाई, तू बता। यार मैं ये कह रहा था, अभी अपनी कॉलेज लाइफ भी एक तरह से खत्म हो चुकी है, स्टडी अपनी, तो मैं सोचा कुछ गेट टुगेदर करते हैं यार, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहीं मिलेंगे जो कॉलेज साथ में पार्क था, साथ में बुक कर, दोस्त को भी ले आइए। हाँ ठीक है, बुक कर, दोस्त को कर दूंगा फोन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं कॉल करूँगा तेरे को। ओके। टेस्टी अब इस पर वाह बनाने वाले वाह। किसका फोन आ गया यार? अरे खाने पीने भी नहीं देते यार। ओ रमन। हाँ रमन, क्या हाल है? हाँ बढ़िया। हाँ हाँ, मैं बिस्कुट खा रहा था, दूध पिया। हाँ हाँ, मजा आ गया। हाँ हाँ ठीक है, सारा दिन खाता रहता है यार। ठीक है, मिलते हैं पार्क में कल शाम को। हाँ हाँ मिलते हैं। हाँ खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, आपको पता ही है। ठीक है भाई, तब तक मैं जो बिस्कुट बचे हो दे खा लूँ, दूध बचा है। हाँ हेलो, हाँ भूपर चंदन, कैसे याद किया? हाँ रमन का फोन आया था, पार्क में चलना है, सबने इकट्ठे होना है। हाँ पहुंच जाता हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं रेडी होके आता हूँ। ओके। हेलो टीना। हाय करण, मेरी बात सुनो, कल पार्क में ना यार दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, तुमने आना है कल? हाँ हाँ जरूर आना है। हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगी, पक्का। ओके बाय। ओके बाय। हाँ ठीक है यार, ठीक है, सीटिंग बैठे हो पार्क में। ओके पहुँच, तू भी पहुँच जल्दी यार। अर्जुन एक सेकंड और क्या कर रहा हूँ। अरे यार विक्की और टीना भी आ गए यार भाई। हाय विक्की। हाय टीना। हाय रमन, कैसे हो? ओ सलाम, ठीक हो? हेलो। ओ बुखर नहीं आया अभी तक? नहीं अभी नहीं आया, बस आने वाला, मैंने कॉल कर दी। भाई मुझे बैठने दो पहले। मैं तो थक गई। तो सारा दिन बैठना ही होता है यार, थक गए हम तो भाई। थक गए भाई, बहुत दूर से आए। और सुनाओ कैसे हो? अरे जब भी उसको देखो बुखड़ को खाता ही रहता है यार वो। यार उसका तो काम ही है खाना। अरे खाने की बात सुनकर तो मुझे भी भूख लग गई यार। तो भूख ही रहती है। तू भी उसके जैसी होगी मोटी काका के। भाईजान देख लो कितना बड़ा रखा है। अरे बुखड़ पानी तो दे। हेलो अपनी बॉडी। अरे दे दे यार थोड़ा, मैं उसे ठंडा लाना यार। हेलो बुखड़ कैसा? हेलो और कैसे हो? ठीक हो? अब भी खाता है? अरे अभी भी खा रहे। मुझे भी दे, मुझे भूख लग रही है। अरे यार अरे बुखड़ मुझे पानी भी नहीं दिया। अरे यार रोने लग जाएगा, बुखड़ है ये। ले 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 मरने वाला है। खा ले मेरे पे, खीरा दे दो। अरे तो खाने दे। नहीं नहीं तो पहले बहुत मोटी है। अरे यार कितना खाता है तू यार? क्या अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार? अपना खाता हूँ यार, अपना खाता है, पता नहीं किस किस का खाता है। थोड़ी ड्यू तो पिला दे। नहीं तभी तो काम की बात कर लिया करो। कोई यहाँ तो बैठ जाओ, जहाँ बैठने का तुम खाने को देगा कुछ यार? तुमको हर टाइम खाने की क्या पड़ी रहती है तेरे को? चल मैं आता हूँ, बैठ जा। तू बैठ जा यार, और हर बात भूखर भूखर। भाई अर्जुन फोन किया था? कुछ नहीं यार, अमन कुछ बाहर जाने का मन कर रहा था, कुछ चील करते हैं यार। नहीं करो प्लान कुछ सभी से पटियाला चलते हैं।
हाँ पटियाला चलते हैं और मैं पटियाला सूट पहनने वाली हूँ और गोलगप्पे खाएंगे पटियाला में। गोलगप्पे मुझे याद आया, मेरे को गोलगप्पे के अलावा कुलचे छोले खिलाएंगे क्या? सारा दिन तुम्हारा यही काम रहता है यार। खाने की बात करता यार। हाँ यार भाई पटियाले में रहे कहाँ पे? अरे रुको रुको गाइस, मेरे चाचा की वहाँ पे कोठी है, वहाँ पे रहेंगे और मस्ती करेंगे खूब। अरे ये तो चौकीदार है यार, डरा के रख दिया था आपने हमको। मैंने कौन सा डराया आपको, मेरी ड्यूटी है बेटा। आपने जाना कहाँ है? बाबा हमने 420 नंबर कोठी में जाना है बाबा। 420 वहाँ तो ऑलरेडी कोई रहता है। चलो छेड़ दो हम आप मत जाओ। कुछ नहीं कर सकता मैं, आपकी मर्जी बस जाओ। चलो चलो, मेरा फर्ज था बताना, बाकी आपकी मर्जी है जाओ। चलो 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 चले कोठी में। जस यार चौकीदार को पूछ। अरे बिकी उस बाबा से पूछ ले, इस बुकड़े के लिए कुछ मिलेगा खाने को? चल यार मैं पूछ के आता हूँ चौकीदार को। कोई नहीं है जो चौकीदार तो नहीं है। चल भागो जल्दी करो यार। क्या हुआ? क्या हुआ बिट्टू? क्या हुआ? क्या हुआ यार? ये चौकीदार नहीं है इधर। घर में है कोई? आ गए आप लोग? चाचा जी का फोन आया था कि लड़के आ रहे हैं, आ जाओ आप लोग बैठो। बैग रख दो इधर बैठो जी। ओहो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा खाने के लिए मिलेगा? हाँ जी हाँ मिल जाएगा। खाने की बात क्यों करता है तू? मिल जाएगा तो बहुत पुराना लग रहा है यार, सारा सामान बिखरा पड़ा है, ऐसे लग रहा है कई साल से तू रहा नहीं है। यार मैं बहुत टाइड हो चुकी हूँ। हाँ यार बाकी काम बाद में, पहले फ्रेश हो लेते हैं। चलो मेरे को भी भूख लग गई है। अरे बाबा सारा दिन भूख भूख पेटू। चलो फ्रेश होते हैं। चल चल फ्रेश हो। कोई काम हो मैंने देखा कि जब आप
देखा कोई था? अरे नहीं यार, कुछ नहीं है। मैंने देखा, सबने देखा किसी को? अरे नहीं है यार। नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं। क्या बोली ना? नहीं देखा किसी को वहाँ पे। अरे यार, इसको क्या हो गया यार? अरे कोई बुरा सपना है हमका? नहीं, वो सपना नहीं था। क्या हो तुम? अरे टीना, आराम से सो जा यार, कोई सपना देखा होगा तुमने। क्या हुआ? अरे यार, कभी खावे कभी पीवे। अरे तेरे ना कभी खावा दिखता तेरे को? कभी कौन है वो आंटी है जो इधर रहती है हवेली में? यार क्या देखता है तुम यार, भूत लग रहा था तेरे को? इस आंटी है जो कोठी में रहती है हमारे साथ। आंटी है वो जो हमारे साथ रह रही है, कुछ किधर है? जो पानी लाकर ले जा रही है। क्या हुआ बताओ तो सही यार, क्या हो गया? अरे गोल भी
वहां पे कोई है? कहां? अरे वॉशरूम में कोई है? अरे वॉशरूम में कोई है यार? क्या बात कर रहा है यार? हाँ क्या हुआ यार? चलो यार कोई है वहां पे? पागल हो गया क्या तू? मेरी बात मानो यार। आज से आपका खाना ये बनाएगी, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, आज आपको यही खाना देगी। ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ। चलो खाना बहुत है यार। अरे कभी तो टीवी देख रहे थे, तेरे को भूख लग रहा था, हर वक्त तो खाना खाना कुछ पीने को भी मंगा लेना। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे तांत्र को बैठा है, उनके पास चले जाओ। चुप हो जा।
जिस भूत से तू डर रहा ना यहाँ पर बहुत है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। चुप हो जा, चुप हो जा, जल्दी चलो। चलता हूँ, चलता हूँ। अरे बाबा, जल्दी। अरे अंकल, यहाँ का चौकीदार कहाँ है? चौकीदार? हाँ, यहाँ तो कोई चौकीदार नहीं था, यहाँ सालों से तक कोई चौकीदार नहीं है। अरे भाई, बात सुनो, उस दिन रात का वक्त था, एक चौकीदार हमको मिला था, बाद में हम गए, नहीं था कोई भी, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है सदियों से। घबराओ मत तुम। अरे हम यहाँ से चलते हैं, चलते हैं। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चले। रात का वक्त है। कुछ भी हो जाए, तुमने किसी अपनी जगह से हिलना नहीं।
तू यहाँ से बच के नहीं जाएगी। तांत्रिक क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? मुझे मेरा काम करने दे, बीच में माता माता जा, चली जा, इन बच्चों को पीछा छोड़ दो। नहीं, ये मेरे घर में ठहरे हुए हैं, कभी भी नहीं, वो मेरा घर है। दीप एक लड़का है और वो मेरे पास ही काम करता है और वो अनाथ भी है। मैं चाहता हूं मैं उसको गोद भी ले लूं और आपकी शादी भी उससे कर दूं और मुझे वारस भी मिल जाएगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों? आपको तो पता है मैं पढ़ रही हूं। सुनो, मैं चाहता हूं मेरा भी कोई वारस हो। ठीक है फिर, जो आपको ठीक लगता है आप करो। मेरे भाई ने अपने बेटे की शादी कहीं और तय कर दी, सारी जायदाद हाथ से निकल गई। अच्छा, अरे तूने तो वादा किया था मेरे साथ कि अपनी भतीजी का रिश्ता मेरे बेटे से करवाएगा। क्या बताऊं यार, मैं बहुत शर्मिंदा। तो इसलिए परेशान था तू? यही परेशानी है। तो तेजपाल अब क्या चाहता है तू? क्या किया जाए? धर्म भाई, आप ही कोई रास्ता निकालो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये बात है, तो मुझे कुछ ना कुछ हल करना है। अब ये काम मेरे पे छोड़ दो, मैं निकालता हूँ रास्ता। चल ठीक है भाई। सर, मेरा पति और मेरी बेटी दो दिन से गायब हैं, उसका कुछ नहीं पता चलता। प्लीज मेरी मदद करो। चलो देखते सर। कोई भी मत, मेरी बात नहीं कोई सुनता सर। सर प्लीज मेरी मदद करो। कोई नहीं, करेंगे। क्या हुआ? हेलो। आई थी वो मेरे पास, अभी आ गई है। मैंने तो कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान रखना, कहीं किसी डंक के बंदे के पास ना चली जाए वो। ओके। भाई साहब, आपने अच्छा नहीं किया। क्या नहीं किया? बेटी का रिश्ता कहीं और जगह कर दिया, अच्छा नहीं किया आपने। अरे बेटी मेरी है, मैंने जो चंगा लगा, मुझे अच्छा लगा, मैंने वो कर दिया। अच्छा, अब मैं जो करूंगा ना वो देखना। अच्छा, क्या देख लेगा भाई?
अंडा और रह गया, अब उसको भी देखता हूं। इस बार जो मेरा काम था वो मैंने अपना कर दिया। अब आप बताओ इन लाशों को कहां टिकाने लगाना है? भाई साहब की जमीन कब काम आएगी? वही दबरा चाचा से दुश्मनी मोल लेकर। चाचा का दोस्त हूं मैं। अब देखो क्या हुआ तुम्हारा। और डेलो साहब कैसे हो आप? बढ़िया रेपी भाई, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ? बढ़िया। आप कहाँ रहते हो? वाह, ड्यूटी में बिजी रहते हैं। माता जी कहाँ रहते हैं? सर, आपने मेरी बेटी और मेरे पति का पता लगाया आपने? सर प्लीज मेरी मदद करो, मैं तो टूट चुकी हूँ। कितने सालों में मैं तो ढूंढ ढूंढ कर था कि वो आपका कोई फर्ज नहीं बनता। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज सर। साहब ये क्या चक्कर है, कुछ कह तो नहीं रहे आप? क्या बताएं रवि भाई, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको ना करने अच्छा होता। बड़े फंडे हैं सब उसमें। ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। इंतकाम? कैसा इंतकाम? ये बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बता। इन बच्चों को क्यों तंग कर रही है? इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन बच्चों ने नहीं, उन लोगों ने दो को मार दिया है। Thank you.
एक रह गया, उसको भी नहीं छोड़ूंगी, और तू तेरी गांव खात को मार दिया। जाओ जाओ, तो अपना बदला ले। तू मुझसे एक बात कर, तू इन बच्चों का कुछ नहीं करेगी। नहीं बोलूंगी, लेकिन जो मेरे और उसके बीच आया उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करता हूं मैं उनके बीच में नहीं आऊंगा, और तू भी वादा कर, तू इन बच्चों को कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं कहूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। जा। अपने वादे से ना मुकरियो, नहीं तो अपना अंजाम सोच लियो। जा, जाके अपना बदला ले। जा, पर एक बात याद रखना, अगर बच्चों को कुछ किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जा। ठीक है, अगर तू मेरे वादे के बीच में आया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, याद रखियो तांत्रिक। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। Ha ha ha.